नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से APS ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा लास्ट वीडियो में जो आपने टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था एकक कोष्ठकाओं का घनत्व ज्ञात करना। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो रहेगा ठोसों में निविड़ संकुलन, यानी क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलीन, ठीक है। क्रिस्टल का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का छोटा सा अंश, तो वही हमारा टॉपिक है ठोसों में निविड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। तो देखिए इसकी बात कर, सबसे पहले बात करेंगे कि ठोसों में निविड़ संकुलन कहते किसे हैं। देखिए, किसी ठोस पदार्थ में उसके अवयवी कण जब एक दूसरे के निकट उपस्थित रहते हैं तो ये जो व्यवस्था होती है इस व्यवस्था को हम कहते हैं ठोसों में निविड़ संकुलन। देखिए दो प्रकार की व्यवस्था मैं बना रहा हूं, एक व्यवस्था तो ऐसी है, ठीक है, ये व्यवस्था है, और इसके विपरीत एक व्यवस्था ऐसी है, सॉरी दूसरी व्यवस्था ऐसी है। इन दोनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर है बच्चों? कि साहब व्यवस्था फर्स्ट और सेकंड में अंतर ये है कि सेकंड वाली व्यवस्था में जो अवयवी कण है वो एक दूसरे के निकटतम उपस्थित हैं, जो कि मूल रूप से क्रिस्टलीय अथवा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को परिभाषित करती है, यानी उसके बारे में बताती है। तो ये जो व्यवस्था है ठोस में इस प्रकार का जो संकुलन है अवयवी कणों का, इसी को कहते हैं निविड़ संकुलन, अर्थात ठोसों में निविड़ संकुलन। समझ में आई बात? कि साहब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवी कण जब एक दूसरे के निकटतम संकुलित रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं तो ऐसी व्यवस्था को ही हम कहते हैं ठोसों में निविड़ संकुलन, ठीक है बेटा। अब ये जो ठोसों में निविड़ संकुलन टॉपिक है इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। ये ठोसों में निविड़ संकुलन असल में विमाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? जी हाँ, विमाओं पर आधारित है, डिपेंडेंट ऑन डायमेंशंस, ठीक है। तो देखिए ठोसों में निविड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है। नंबर एक, एक विमीय निविड़ संकुलन, एक विमीय निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन क्या होता है भैया? एक विमीय निविड़ संकुलन कि साहब किसी ठोस पदार्थ में जब उसके अवयवी कण एक विमा में वन डायमेंशन में संकुलित रहते हैं तो ऐसी व्यवस्था कहलाती है एक विमीय निविड़ संकुलन, ठीक है। तो हम इसको एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। हमने कोई ठोस पदार्थ, ये मान लो ये कोई क्रिस्टल है इस तरीके से, और इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था कुछ ऐसी थी, ठीक है। तो ये क्या है? वन डायमेंशनल है, एक विमीय है, एक ही विमीय है, तो इसको हम कहते हैं एक विमा में निविड़ संकुलन यानी एक विमीय निविड़ संकुलन। अब इसमें कई बार प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि एक विमीय निविड़ संकुलन में अवयवी कणों की उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है? अवयवी कणों की उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है? तो देखिए हम इसके अंदर एक टॉपिक बना रहे हैं, उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। क्या टॉपिक रहेगा हमारा इसके अंदर? उपसहसंयोजन संख्या। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक विमीय निविड़ संकुलन में अवयवी कणों की उपसहसंयोजन संख्या बताइए। तो क्या बताएंगे, किसको कहते हैं साहब उपसहसंयोजन संख्या? इसकी परिभाषा सुनो सबसे पहले उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या क्या है कि साहब निविड़ संकुलित व्यवस्था में कोई प्रत्येक, सॉरी निविड़ संकुलित व्यवस्था में प्रत्येक अवयवी कण जितने अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है या उनके संपर्क में रहता है उन अवयवी कणों की संख्या को ही हम कहते हैं उस अवयवी कण की उपसहसंयोजन संख्या।
फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, निविड़ संतुलित व्यवस्था में प्रत्येक अवयवी कण जितने अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है या उनके संपर्क में रहता है उन अवयवी कणों की संख्या को ही उस अवयवी कण की उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो देखो जो मैंने आप बात बोली है उसको इसमें समझते हैं। अगर हम बात ये तो देखो श्री और एंड के अवयवी कण, श्री और एंड के अवयवी कण है, इन दो अवयवी कणों को छोड़ दो और उसके बाद अवयवी कणों में से किसी को भी एक को टारगेट कर ले, मान लो आपने इस अवयवी कण को टारगेट कर दिया, ठीक है। अब ये अब हमसे पूछा गया कि इस अवयवी कण की उपसह संयोजन संख्या बताइए, तो मैंने परिभाषा में क्या बताया कि निविड़ संतुलित व्यवस्था में कोई भी अवयवी कण जितने अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है, तो ये कितने अन्य अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है या उनके संपर्क में है, एक तो इसके संपर्क में है दूसरा इसके, तो कितने अवयवी कण है ऐसे जिनके संपर्क में ये वाला अवयवी कण है, एक और एक दो, तो बेटा इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई, दो। कितनी होगी, दो। क्लियर है ना सबको। तो एक विमीय निविड़ संकुलित व्यवस्था में प्रत्येक अवयवी कण की उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है बच्चों, दो। इसको कहते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन, सिंपल सी कॉमन सी बात है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं। इसी प्रकार बेटा हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा द्विविमा में निविड़ संकुलन, क्या रहेगा, द्विविमा में निविड़ संकुलन, द्विविमा में निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल कंडीशन, ओके। तो द्विविमा में निविड़ संकुलन की अगर बात करें तो इसमें दो विमा होनी चाहिए, दो विमा होने का मतलब लाइक एक टेबल की तरह मान लें कि टेबल में एक रो होता है एक कॉलम होता है, एक तो विमा हो गई ये और दूसरी विमा हो गई ये, तो ये द्विविमा में निविड़ संकुलन होगा। तो इसमें जब व्यवस्था होगी इसका सिंपल मैं एक चित्र द्विविमा में निविड़ संकुलन का चित्र बना रहा हूं इस तरीके से, ये बेटा देखो ऐसे और ऐसे द्विविमा में इन टू डायमेंशनल है तो ये द्विविमा में निविड़ संकुलन कहलाता है। तो ये जो द्विविमा में निविड़ संकुलन व्यवस्था होती है ये दो प्रकार की होती है, ठीक है, जिसमें से एक प्रकार है वर्गाकार निविड़ संकुलन, वर्गाकार निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन क्या होता है साहब, वर्गाकार निविड़ संकुलन कि साहब जाहिर सी बात है कि दो परतों से बना होगा, द्विविमा का मतलब क्या है कि दो परतें तो कम से कम होनी चाहिए, एक विमा के लिए एक परत होती है, तो वर्गाकार निविड़ संकुलन व्यवस्था क्या है कि साहब एक परत के गोले दूसरी परत के गोलों के ठीक क्या कह सकते हैं समक्ष रखे जाए या उन्हीं की जैसी व्यवस्था में रखे जाए, तो इस प्रकार जो निविड़ संकुलन व्यवस्था प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं वर्गाकार निविड़ संकुलन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कई पंक्तियाँ ली अवयवी कणों की, एक पंक्ति ये रही इस तरीके से, ठीक है साहब, ये एक पंक्ति, ठीक है, इसको पंक्ति नंबर ए नाम दे दिया, क्लियर बेटा। अब हमने दूसरी पंक्ति ली, मान लो ये अलग से है, ये ए पंक्ति हो गई और ये बी पंक्ति, या हम इसको ए वन नाम दे दें, क्या नाम दे दें, ए वन, इसको ए टू नाम दे, कोई भी नाम आप दे सकते हैं सब कुछ, इन दो प्रकार की पंक्तियों से हम द्विविमीय व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो कितनी द्विविमीय व्यवस्था किस किस प्रकार से बनेगी, तो देखिए मैंने क्या किया, पंक्ति नंबर ए वन, ठीक है, छोटे में बना रहा हूं इसको, ठीक है, और ये पंक्ति नंबर ए वन है और इस पंक्ति को इस प्रकार चिपकाया, इसके चिपकाने के इसके नीचे दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है ठीक है साहब,
ये तरीका है। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है दूसरा तरीका। तो ये ए वन है, ये ए टू है, फिर से इसी प्रकार ए थ्री ले ली मान लो, ए फोर ले ली, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के एक जैसी है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर क्यों रखा हमने, क्योंकि एक जैसी कंडीशन है। तो इसमें क्या देखेंगे, इस व्यवस्था में ये जो हमने व्यवस्था बनाई, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें प्रथम पंक्ति के बोले, या हम कह सकते हैं कि द्वितीय पंक्ति के बोले प्रथम पंक्ति के बोलों के समक्ष रखे गए हैं, या उनके ठीक नीचे या ऊपर रखे गए हैं। यानी ये बोला था प्रथम पंक्ति का, द्वितीय पंक्ति का प्रथम बोला ठीक इसी के नीचे, या इसको हम कई बार ऊपर भी व्यवस्थित कर सकते हैं, तो इस तरीके से रखा गया है। तो इस प्रकार की जो द्विविमीय निविड़ संकुलित व्यवस्था हमें प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं वर्गाकार निविड़ संकुलन। क्यों कह रहे हैं वर्गाकार निविड़ संकुलन, इसके लिए हम जैसा कि मैंने एक विमा के लिए आपको उपसह संयोजन संख्या बताई थी, द्विविमीय निविड़ संकुलन के लिए यानी इस क्षेत्र में उपसह संयोजन संख्या निर्धारित करो, तो क्या होगी, मान लो ये बोला हमने चयन कर लिया, ठीक है। अब इस बोले की उपसह संयोजन संख्या क्या होगी बच्चों, उपसह संयोजन संख्या, संयोजन संख्या देखो जरा इसमें गौर से क्या है, कितने बोलों को स्पर्श कर रहा है, एक दो तीन चार, कितनी उपसह संयोजन संख्या चार है साहब। इसमें इसको वर्गाकार क्यों कहा गया है, क्योंकि साहब इसमें यदि हम किसी अव्यवी कण के उपसह संयोजन संख्या बताने वाले अव्यवी कणों के केंद्रों को मिलाएं एक सीधी रेखा के द्वारा, इसको स्पर्श कर रहा है ये वो, और ये इसको भी स्पर्श कर रहा है, ठीक है, इसको भी स्पर्श कर रहा है और इसको भी स्पर्श कर रहा है। इनके केंद्रों को यदि सीधी रेखा द्वारा मिला दें तो ये एक वर्ग आकृति निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, वर्ग आकृति। इसीलिए इस प्रकार का जो संकुलन होता है उसको कहते हैं वर्गाकार निविड़ संकुलन, ठीक है। अब मैं इसको एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, ऐसा निविड़ संकुलन प्रथम एक विमीय, एक विमीय प्रथम परत के गोलों के ठीक नीचे एक विमीय द्वितीय परत के गोलों को रखने पर प्राप्त व्यवस्था कहलाती है वर्गाकार निविड़ संकुलन व्यवस्था, और इसकी जो उपसह संयोजन संख्या होती है वो होती है बेटा चार, ठीक है। इस तरीके से हम ठीक इसके नीचे या ठीक इसके ऊपर इनको व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक रहेगा दूसरे वाला, उसको हम अगले वीडियो में